आज गोरीवाड़ा गांव के इस मैदान को छकाछक भरने का काम किया, इस सभा को ऐतिहासिक बनाने का काम किया और इस 2019 के चुनाव के इस आखिरी दिन अपना फैसला सुनाने का काम किया। सरदार सरजीत सिंह मसीता जी की जीत को निश्चित से सुनिश्चित बनाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश ने दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बने और 15 साल पहले जो चौधर हमारे हाथ से हुड्डा छीन करके ले गया था वो चौधर लाने का फैसला किया। मैं आज मेरे इस हरे भरे परिवार का नैना सिंह जी की तरफ से और विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी की तरफ से, आपके बेटे आपके भाई दुष्यंत जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, आपके और हमारे कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब इस देश की जंगे आजादी की लड़ाई लड़े थे तो बहुत से ऐसे परिवार आज भी इस भीड़ में बैठे होंगे जिनके बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ कदम ताल मिलाकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था। चौधरी देवीलाल जी ने मुजारा आंदोलन इस देश के बनने के बाद जब चलाया तब भी बहुत से ऐसे बुजुर्ग हमारे उनके साथ चले थे और उसके बाद जब पंजाब को हरियाणा अलग बनाने की बात आई तो आज भी इस भीड़ में ऐसे बहुत बुजुर्ग होंगे जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी के उस संघर्ष को अपनी आंखों से देखा है, उनके साथ चल करके संघर्ष किया है। साथियों, सड़क से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक की लड़ाई में मेरे इस परिवार ने चौधरी देवीलाल जी का साथ निभाया था, तभी हम इस छोटे से हरियाणा से लाल किले तक पहुंच पाए थे। साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी आपने सदैव ताकत दी और 5-5 बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसी हिसाब से डॉक्टर अजय सिंह जी को मेरे इस हलके के परिवारजनों ने कभी भी पराया नहीं माना बल्कि सदैव अपना माना और गले से लगा करके रखा। जो प्यार अजय सिंह जी को आपने दिया मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी माता जी को जब चुनाव लड़ने की बारी आई उनको राजनीति की ABCD नहीं पता थी, मगर मेरे इन बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद उन्हें देकर यह कहा था कि नैना जी, अजय सिंह जी की जिम्मेवारी को निभाओ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों का वो प्यार कि नैना सिंह जी भी यहां से MLA बन करके गई थी। आज चाहे दुष्यंत हो और चाहे मैं हूं, हम तो आपके बीच में बड़े हुए हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर के सदस्य हैं, इन नौजवानों के भाई हैं। आपने जो ताकत हमें दी उसी की बदौलत आज हरियाणा में ये जननायक जनता पार्टी खड़े होने में कामयाब हुई। साथियों, इन नौजवानों ने, डबाली के मेरे भाइयों ने अपने लाडले भाई दुष्यंत को अपनी पलकों पर बिठाने का काम किया, हरियाणा में पहचान दिलाने का काम किया। अरे मेरा परिवार तो इस हलके के लोगों का, मेरे इस डबाली हलके के परिवार का 7 पीढ़ी भी एहसान चुकता नहीं कर सकता। आपका दिया हमें इतना कुछ है, मगर मैं ये वादा आपको देता हूं कि 36 बिरादरी की आपने पगड़ी मुझे दी है, आपने ये विश्वास मुझे दिया है और ये पगड़ी मुझे नहीं दी बल्कि मेरे माध्यम से दुष्यंत के सिर पर आपने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी रखी है। मैं इस पगड़ी के लिए मेरे इस हरे भरे परिवार का, मेरे अपने परिवार का आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं और विश्वास देता हूं कि चौधरी देवीलाल जी का खून हमारी रगों में जब तक गर्म होकर के दौड़ेगा आपकी पगड़ी को और आपके विश्वास को कभी नीचा नहीं होने देंगे। मगर हरियाणा प्रदेश के हालात मैंने और बांगर साहब ने घूम के देखे हैं, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि 55 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर आज दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और इस हवन यज्ञ में मेरे डवाली परिवार के लोग भी अपनी बहुमूल्य आहुति डालकर अपने लाडले को अर्जुन का तीर और मछली की आंख चंडीगढ़ की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब दुष्यंत मुख्यमंत्री होगा तो राज आपका होगा कि नहीं होगा? क्या बात, ढीले ढीले बोले, राज आपका होगा या नहीं होगा? और हमें MLA चाहिए और मुख्यमंत्री भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आज नैना जी का बाजरा जाना
और सर्वजीत जी का दिवाली में चुनाव लड़ना ना इन लोगों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है साथियों। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, कोई माने ना माने, आज पंजाबी बेल्ट के अंदर इतना उत्साह है जो रिपोर्ट हमें मिल रही है। मैं सारे दिन दिवाली की बारे में चर्चा करता हूँ लोगों से, चारों तरफ ये है भाई पंजाबी बेल्ट तो 90% तक मनमना चुकी है एक तरफा करने का। भाई आपने वाला भाई जकाई साइड का है, आपने भी ठीक है कि नहीं? ये बात ढीला ढीला बोलो, ठीक है कि नहीं? अगर दुष्यंत मुख्यमंत्री बन सी तो फिर चौधर आ सी कि नहीं? भूपेंद्र उड्डा कह के गयो भाई आप बागड़िया की चौधर छीन के ले जाऊं। आज मौको आ गयो साथियों, 15 साल बाद वो मौको चूकण को नहीं है। आज भी मौको चूक गया तो फिर इस मौको आनो भी नहीं। साथियों मैं आपसे कहूंगा विशेष तौर पर मेरे बागड़ी बेल्ट के परिवार से, अरे आपको तो किसी बात की चिंता नहीं, जिस दिन मुख्यमंत्री दुष्यंत होगा चंडीगढ़ में तूती बोलिया करेगी कि नहीं? तो इसलिए ये जो आज घूम रहे हैं, अरे कैसी कैसी ऑडियो इनकी वायरल हुई कि नहीं हुई? अरे एक काफी था, दूसरा और पैदा हो गया इस इलाके में। पहले ही तो खौफ हो आपने हो कि नहीं? मगर आप चिंता मत करो, इस डर के आ गई जीत ही है। हमने मैंने और दुष्यंत ने भी एहसास कर लिया था, ये डर निकालो। हमें किसी से डरने की नहीं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसी के डर के आगे झुकने की जरूरत नहीं। यहां राजा के वोट की कीमत भी एक है, और भाई एक आम आदमी के वोट की कीमत भी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक रखी है। ये जो कह रहे हैं अपनी ऑडियो इनकी देखी सुनी होगी, उल्टा लटकाने की बात करते हैं, अरे मसा तो पीछे छुट्टियों है। एक और आज आपके बीच में खड़ा होने जा रहा है, तो ऐसे आदमी को क्या जिताओगे क्या अपने इलाके से? और बांगड़ साहब ने क्या बढ़िया बात बोली, चौधरी देवीलाल का नाम लेते हैं, देवीलाल जी की फोटो तक नहीं लगा सकते। अरे शर्म आनी चाहिए, चौधरी देवीलाल की फोटो तो धुर से धुर विरोधी भी अपने घर में लगा के उसकी पूजा करते हैं। और मैं आपकी बात से सहमत हूं आगर साहब कि अगर फोटो नहीं लगानी थी, ये बहाना ले रहे हैं आजकल कि चौधरी देवीलाल खुद कहा करते थे कि फोटो की जरूरत नहीं, तो फिर वो कौन है? वो जो दो लगा रखी है वो किसकी है? मोदी की गोदी में बिठा लिया कि नहीं? ये बीजेपी बहुत तेज है साथियों, ऊपर से आदेश है कि चौधरी देवीलाल की फोटो नहीं लगेगी, है कि नहीं है? है कि नहीं है? जो चौधरी देवीलाल की फोटो नहीं लगा सकता, क्या आप उसको वोट दोगे क्या इस दिवाली के अंदर? चौधरी देवीलाल की जो फोटो नहीं लगा सकता, अरे हमारी उंगली उस कमल के फूल जाएगी तो इससे बड़ा गुना और इससे बड़ा अपराध क्या होगा साथियों? इसे कहूंगा कि उससे भी ज्यादा वोटों से इनको यहां से जिता करके भेजियो, यही हमारी। और ये जीत करके जाएंगे, राज आपका बनेगा, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, 90 के 90 हलकों में दवाली हलका अव्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? मुख्यमंत्री का घर होगा कि नहीं होगा? आज देख लो कैसे मोदी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े, लास्ट मिनट सिरसा पे उतारने पड़े कि नहीं उतारने पड़े? और वो भी गांवों तक जाना पड़ रहा है। मैं कहता हूं मोदी को ले आओ, योगी को ले आओ, चाहे अमित शाह को ले आओ, और अब तो कहे सन्नी देओल को भी ले आए हैं। अरे निंजा जी, ये हरियाणा का खूंटा है, ये कोई पाकिस्तान के लाहौर का लड़का नहीं है जो निकल जाएगा। ये तो इन बुजुर्गों ने खूंटा लगा रखा है, और भाई ये खूंटा हिलने मत दियो, नहीं हिलने दोगे ना? चाहे डोनाल्ड ट्रंप को ले आओ, मगर राज तो दुष्यंत का बनेगा लोगों में। 27 की दिवाली है और हम दिवाली के लोग 26 को मनाएंगे जब दुष्यंत शपथ लेगा साहब।